बात सुनिए, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं नबी के शान में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंसान का इंसान का जिस्म है, धड़कन मेरा आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक बात सुन लीजिए, हम बीजेपी को चला करें, तुमने किस कौम को लड़का रहे जिसका सीना में हर वक्त लाए लगी। और एक बात सुन लीजिए, आपको मेरे बाप दादा जिस जमाने में हुकूमत जब किया था यहाँ पर ही, जी हमारे बाप दादा ही थे वो, तो हम लोगों ने कभी भी हिंदू मुसलमान का हम लोग कभी बात ही नहीं किया। उस वक्त भी हिंदू की तादाद ज्यादा थी, मुसलमान भी कम थी, फिर भी हम लोग लेके चले। तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मदरसा में आतंकवादी सिखाया जाता, आतंकवादी बनाया। देखिए, इन लोग का मकसद मदरसा तोड़ना नहीं है, खूब अच्छा सा मेरा बात को समझ लीजिए। इन लोग का मकसद है कुरान को खत्म करना। ये तो कुरान पढ़े नहीं है, इनको तो कुरान का मुताला नहीं है, कुरान के बारे में कुछ जानते नहीं है। लकुम दीनकुम वलियुद्दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए है, मेरा दिन मेरे लिए है। ये कुरान कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। ये कुरान को खत्म करने की साजिश है, उर्दू को खत्म करने की साजिश है, मुसलमानों को खत्म करने की साजिश है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जवान अल्लाह।